प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम लोग जाएंगे मेरी वाइफ को डॉक्टर दिखाने। उसको जॉन्डिस हो गया, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा। वैसे प्रॉब्लम तो है, इतना थोड़ा मतलब पैसों का तो प्रॉब्लम है। मैं रोज ही प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु थोड़ा पैसों का थोड़ा जुगाड़ कर दीजिए आप, ऐसे करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और सच में परमेश्वर ने मदद कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके। तो अभी हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं, और हॉस्पिटल जाने से पहले थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैगी है, और मैगी मैं खाने वाला हूँ चॉपस्टिक्स से। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि चॉपस्टिक्स कैसे पकड़ते हैं। खैर, लाइफ में दुख तो आता ही रहता है, लेकिन हमें उदास होकर नहीं रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारा यीशु क्या कहता है, मेरी अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। तो प्रभु ऐसा कहता है ना, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे। तो मुझे प्रभु में पूरा विश्वास है, वो कहीं ना कहीं से और भी जुगाड़ कराएगा। खैर, टेंशन नहीं करते, प्रभु में विश्वास करते हैं। और तो चॉपस्टिक्स को पकड़ने का तरीका, ये जो आपकी उंगली है को इस तरीके से फंसाना है, ये देख लीजिए, इसको चॉपस्टिक को इस तरीके से फंसाना है। और ये जो अंगूठे के बीच में एकदम इसको हल्का ऐसे दबा के रखना है, ये जो बीच वाली उंगली है ये नीचे, और ये वाली उंगली से हल्का दबाना है, ऐसे हल्का दबाना है, ताकि ये जो हिस्सा है आपका अंगूठा और ये उंगली पकड़ने के लिए फ्री रहे। खाली इसको यहाँ पर ऐसे दबा के रखना है, ऐसे हल्का। और जो दूसरा स्टिक है उसको ऐसे पकड़ना है, उसको ऐसे एक पेन की तरह पकड़ना है। जब आपका प्रैक्टिस होता जाएगा तो आप कुछ भी उठा सकते हो इससे। तो ये है गरीब मुखबांग। ये देखिए मैगी, इस तरीके से मैगी को उठाना है, इस तरह पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। गरीब मुखबांग, ये जो कोई दिख तो नहीं रहा। ऐसे उठाओ और वाओ, इसमें एक्स्ट्रा तीखा डाला है। यह है गरीब मुखबांग। गंगा, मिर्ची ज्यादा हो गया, पानी ला दो ना। गरीब मुखबांग, बहुत मिर्ची है, एक्स्ट्रा मिर्ची डाला है इसमें। गरीब कोल्ड ड्रिंक। पड़ोसी देखेंगे तो बोलेगा पागल हो गया, अकेले में बात कर रही है। शुरू करते हैं गरीब मुखबांग फिर से। मिर्ची बहुत ज्यादा है। अभी थोड़ा ही बचा है। मैं एकदम गेट के पास बैठा हूँ, लोग देखेंगे अगर इस तरफ घूम के तो बोलेंगे पागल हो गया। ये देखो, गेट के यहाँ बैठा हूँ। बहुत तेज मिर्ची है। जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा ना चॉपस्टिक का, तब आप एक चावल का दाना भी उठा सकोगे। पका हुआ, कच्चा नहीं, कच्चा फिसलता है। देखो, एक मैगी का टुकड़ा। तो ये गरीब मुखबांग को थोड़ा, आ,
तो ये गरीब मुखबैंग अभी इधर रखते हैं, अभी जाएंगे गंगा को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो सबको जय मसीह की फिर से। मानसी जय मसीह की, जय मास बोलो। जय मास, जय मास, ये जय मास बोलती है, जय मसीह। तो जो अभी मैंने मैगी खाया है उसमें उसमें जो रियल वाला गोश्त पेपर था, मैंने सोचा वो कोई दूसरा मिर्ची डाला होगा, मम्मी ने बनाया था, तो इसमें सच में गोश्त पेपर था और पिसा हुआ डाला था। ये देखिए, ये जो है ये है सूखा वाला गोश्त पेपर जो भुजुलोकिया बोलते हैं और फिर किंग चिली बोलते हैं नागालैंड में, भुजुलोकिया भी बोलते हैं ना, ये गोश्त पेपर और इसका पीसा हुआ वाला वर्जन। मानसी डोंट टच, ये बहुत, इसको इतना खतरनाक मिर्ची होता है ना, ये देखो, ये इसका पीसा वाला है, इसको बस इतना डाला था एक चुटकी, और एक चुटकी में इतना खतरनाक मिर्ची, बाप रे, एक चुटकी डाला था यार, मेरा पूरा हालत खराब हो गया, लेकिन फिर भी खाने में मजा आया। मानसी जय मस करो फिर से, जय मस। मानसी जय मस। तो तो देखा आप लोगों ने, मानसी ने जय मस किया, यानी जय मसी, जय मसी की। तो अभी हम लोग चलते हैं गंगा को डॉक्टर दिखाने। तो एक बीमार अंकल का अपडेट कि अभी बीमार अंकल का ऑपरेशन होने वाला है, अब उनको पैसा मत भेजिए आप लोग, वो जो बीमार अंकल है उनको इनफ हो गया है, और मैंने उनसे बात किया है, अभी उनका ऑपरेशन कल परसों में हो जाएगा, उनका ऑपरेशन रॉड लग जाएगा, सब कुछ हो चुका है सब, और एनजीओ भी मदद कर रहा है उनको। तो अभी उनको आप लोग डोनेशन ना मत दीजिए, मुझको दीजिए। मजाक है। तो चलते हैं अभी गंगा को दिखाएंगे डॉक्टर के पास, इसको ना जॉन्डिस हो गया है। मानसी जय मसी, जय मस, जय मस। तो अभी अभी मानसी को दिखा दिया है डॉक्टर ने, फिर से 16 तारीख को बुलाया है, और गंगा को जो जॉन्डिस हुआ है और प्रेगनेंसी का भी है उसका, तो हमने प्लान नहीं किया था, फिर भी प्रभु का आशीष हो गया है। खैर ये आशीष तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, अभी प्रॉब्लम है संभालना ना, अभी थोड़ा पैसों का भी प्रॉब्लम चल रहा है। खैर प्रभु को प्रार्थना तो किया है, प्रभु मैनेज करेगा इतना ही। और गंगा का जो जो गायनो डॉक्टर, पेट का डॉक्टर जो होता है, उसको दिखाने के लिए हम गए थे, लेकिन मतलब उधर डॉक्टर को पूछा तो वो गायनो डॉक्टर जो है निशा तिवारी हैं, वो पहले से ही जब मानसी के टाइम में भी, जब मानसी हुई थी उस टाइम में भी, मानसी जब पेट में थी तब से वो डॉक्टर देख रही है निशा तिवारी, तो हम उसी को ही दिखाने के लिए हम ढूंढ रहे थे। दूसरे भी थे गायनो डॉक्टर, लेकिन नहीं, हम उसी को ही दिखाएंगे और कल फिर से आएंगे हम। और हाँ एक और चीज़, मैं जब आ रहा था तब मैंने जो वो जो कब्रिस्तान है जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, उसमें क्या देखा कि पूरा फूल वूल चढ़ाया हुआ है। तो एक बार उस कब्रिस्तान में चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन एक बार फिर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जो कब्र है उन सब के ऊपर फूल वूल लगाए हुए हैं, कैंडल वेंडल जलाया हुआ है। वेल वैसे अगर देखा जाए तो ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब करने का। क्यों? अब जो मर गया उसका तो भाई अब प्रभु ही इंसाफ करेगा। हम कई लोग हम देखते हैं कि हम कई लोग हम नहीं कई लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो कई लोग ऐसा कहते हैं ना, खैर आत्मा की शांति के लिए आप जितना भी प्रार्थना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति अपना जीवन, जब वो जिंदा था उसने कैसा जीवन जिया, उसके हिसाब से ही होगा जो होगा। चाहे आप कितना भी उसके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये सब जो रीति नियम ट्रेडिशन है, एक शायद हैलोवीन है इसलिए ये सब ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हैलोवीन के टाइम में ही जो मृतक लोग हैं उन सबको
इस तरीके से फ्लावर्स लगाया जाता है, कैंडल्स लगाया जाता है उनके जो कब्र होता है ग्रेव में उधर। हाँ, तो ये जो ट्रेडिशन है कैंडल जलाने का, क्या बोलते हैं, फूल वूल लगाने का, ये ज़रूरी नहीं है और ये बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है। मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अब जो हो गया, आप चाहे कितना भी प्रार्थना करो उसको ही फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उसी मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कि जब वो जिंदा था तो उसने कैसा जीवन जिया। हम एज अ क्रिश्चियन जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तब हमें ये हमारे अंदर ये ट्रेडिशन, एक प्रथा, एक रीति, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुराने नियम से मानते आ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियनिटी का असली मतलब ट्रेडिशन को फॉलो करना नहीं है। क्रिश्चियनिटी का असली मतलब क्या है? क्रिश्चियनिटी का असली मतलब है यीशु में विश्वास करना। और यीशु में विश्वास करने का मतलब क्या है? यीशु में विश्वास करने का मतलब ये है कि यीशु के पीछे चलना। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यीशु के जैसा जीवन जीना, यीशु के तरह बनते जाना। हाँ, विश्वास करने का ये मतलब है, यीशु के जैसा बनते जाना दिन ब दिन। वैसे हम बन तो नहीं सकते, हम सब में कमियां होती है, लेकिन कोशिश देखता है प्रभु, हम कोशिश कर रहे कि नहीं कर रहे। तो ये सब जो ट्रेडिशन है कैंडल जलाने का, फूल जलाने का, ये नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि ये सब ट्रेडिशन है, ये प्रथा है, रीति है। और क्रिश्चियनिटी और विश्वास में कोई प्रथा का काम नहीं है। विश्वास में आपका जीवन कैसा जी रहे हो, जीवन जीने के ऊपर ज़्यादा जोर है और यीशु यही सिखाता है। देखिए, निकोदमस जो था वो सारे ट्रेडिशन फॉलो करता था, रीति प्रथा फॉलो करता था यहूदियों का, लेकिन फिर भी यीशु ने उससे क्या कहा? वो एक बहुत ऐसा कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा धर्मगुरु था यहूदियों का, निकोदमस। इसलिए तो वो छुपके से रात को मिलने आया, क्यों? ताकि उससे कोई देख ना ले कि यार इतना बड़ा धर्मगुरु होके यीशु के पास जा रहा है शिक्षा लेने। हाँ, तो जब निकोदमस गया रात को छुपके से ताकि कोई ना देखे उसे, क्योंकि वो एक बड़ा धर्मगुरु था, तब यीशु ने उससे क्या कहा कि तुम्हें एक और चीज़ करने की आवश्यकता है, नया जन्म लेने की। अब नया जन्म लेने का मतलब क्या है? नया जन्म लेने का मतलब रीति प्रथा छोड़ो। यीशु क्या कह रहा था कि रीति प्रथा छोड़ो, ट्रेडिशन छोड़ो, लेकिन जीवन जीने के ऊपर जोर दो, सही जीवन जीने के ऊपर जोर दो। तो एज अ क्रिश्चियन हमारा जो लगाव है वो यीशु के तरह जीवन जीने के ऊपर होना चाहिए, ना कि ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए। तो यही चीज़ें थोड़ा एक दो बातें शेयर करना चाहता था। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।